दोस्तों आज की वीडियो में हम जाएंगे अपने दादाजी के घर, जहाँ पर हम करेंगे ढेर सारे काम और साथ साथ उस काम के बदले हमें मिलेंगे ढेर सारे पैसे। अरे वाह नोबिता, तुम्हारे दादाजी का फार्म कितना बढ़िया है। और साथ साथ देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा छल्ली लगी हुई है। मेरा मन तो कर रहा है कि इन सबको मैं भून के खा लूँ। अरे नहीं, हमें इन्हें भूनना नहीं है, हमें इनको निकालना है और इसके बाद उन्हें बेचने के लिए जाना है। चलो दोस्तों फटाफट से हमारे दादाजी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं इस काम का हमें कितने पैसे देंगे। अरे ये देखो हमारे दादाजी यहाँ पर खड़े हुए हैं, चलो इनसे बात करते हैं। हेलो दादाजी, क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम है? बेटा जी तुम्हारे लिए तो हमारे पास काम ही काम है, तुमने मेरा खेत तो देखा ही होगा। अरे हाँ बिल्कुल, हमने आपका खेत देख लिया है, बोलो हमें क्या काम करना है। सबसे पहले तुम्हें वो बड़ी सी मशीन से जितने भी फसल है उन्हें काटना होगा और उसके बाद उन कटी फसलों को ले जाके तुम्हें दुकान पे बेचना होगा। अरे वाह, बस इतना सा काम? चलो फिर हम अपना काम फटाफट से शुरू करते हैं। अरे हाँ, हमारे पास खाली 12 मिनट है। oh, no. इस 12 मिनट के अंदर अंदर हमें सारा काम खत्म करना है। अरे गाइस ये देखो ये वाला ट्रक कितना ज्यादा बड़ा है, हमें इसी से कटिंग करनी होगी। ये ट्रक तो मैं ही चलाऊंगा क्योंकि ये ट्रक मुझ पे शूट करेगा। अरे बिल्कुल भी नहीं, इस ट्रक को मैं चलाऊंगा। है नोबिता, मैंने तुम्हें बताया नहीं है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, अब इस ट्रक को मैं ही चलाऊंगा। अरे सबसे पहले इसे खोल तो लो। देखो मैंने इसे खोल लिया है। अरे तुमने खोल तो दिया, अब चलो फटाफट से कटिंग शुरू करो। अरे ये देखो हमारा ट्रक शुरू हो चुका है, अब यहाँ पर जितने भी छल्ली है उन्हें काटना शुरू करते हैं। अरे हाँ चलो फटाफट से, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें छलियों को काटना है और उसके बाद इन सबको ट्रक में डालना होगा, इनको शॉप में बेच के आना होगा। और यहाँ पर जितना भी पैसा हमें मिलेगा वो सब हमारा होगा। अरे हाँ यार, उन पैसों से मैं अपने लिए आइसक्रीम खरीदूंगा और मैं उन पैसों से अपने लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदूंगा। मैं तो उन पैसों से अपने लिए बढ़िया सी कॉमिक्स खरीदूंगा। सुना है आयरन मैन की नवी कॉमिक्स आई है, वो मुझे पढ़ने का बहुत मन है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, वो सारे पैसे तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हारे पैसों को बचा के रखूंगा। अरे बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं देने वाले। अरे हाँ हम तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं देने वाले, क्योंकि जियान तुम हमसे पैसे ले तो लोगे लेकिन तुम हमें वापस नहीं दोगे। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, इस बारी मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे बिल्कुल भी नहीं, हमें तुम पे भरोसा नहीं है, तुम हमेशा यही बोलते हो, हमसे सारे पैसे ले लेते हो और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं देते। अरे हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा ही करते हो। अरे हाँ यार तुम ऐसा ही करते हो। इस बारी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जियान को हमें पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अरे हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि यहाँ पर जियान को हम पैसे दे या फिर ना दे। मुझे पता है सब लोग हाँ ही बोलेंगे क्योंकि सब लोग का मैं प्यारा जो हूँ। क्यों दोस्तों तुम यहाँ पर हाँ ही लिखोगे ना? अरे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी हाँ लिखेगा। सब ये बोलेंगे कि जियान को हमें एक रुपए नहीं देना क्योंकि जियान एक नंबर का हरामी है। ओके गाइस, यहाँ पर हमारी जितने भी फसल थी वो सब कट चुकी है। अरे हाँ यार, और हमारे पास अभी 9 मिनट है, 9 मिनट के अंदर अंदर हमें सारी फसल को एक ट्रक में जमा करना होगा और उसके बाद उस ट्रक को हमें शॉप में ले जाना होगा और जितने भी पैसे वो देंगे उतने पैसे में हमें इन्हें बेच देना होगा। अरे बिल्कुल भी नहीं, हमें उनसे तोल मोल करनी होगी और जितना ज्यादा पैसे हम ले सके उतने हम लेंगे। अरे हाँ यार बिल्कुल सही का पूछा है, हमें यहाँ पर थोड़ा मोल भाव करना होगा और जितना महंगा बेचेंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी ना। बिल्कुल सही का। चलो भाई यहाँ पर हमने ट्रक को जोड़ लिया अपने ट्रैले से। चलो दोस्तों यहाँ पर इसको फटाफट से अंदर की तरफ ले चलते हैं। अरे हाँ लेकिन थोड़ा संभल के क्योंकि ये ट्रैला काफी ज्यादा हिलता है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे ट्रैले को चलाना आता है। चलो भाई यहाँ पर सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। अरे हाँ चलो अब ये ओपन हो चुका है, अब यहाँ पर जितनी भी छलियाँ हैं उन सबको हमें एक एक करके इसके ऊपर रखना होगा। एक मिनट, ये छलियों का साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा है। oh, ये no. तो हमारी जितनी है। अरे हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, यहाँ की छलियाँ देखो कितनी ज्यादा बड़ी है और जितनी ज्यादा बड़ी होगी हमें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। अरे फिर तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया हो गया, यहाँ पर हमें एक छली के 5 रुपए मिलेंगे और यहाँ पर हमारे पास कम से कम 9 छलियाँ है, तो हमारे पास तो ढेर सारे पैसे हो जाएंगे। सही कहा तुमने, चलो भाई यहाँ पर जितनी भी छलियाँ थी उन सबको हम फटाफट से ट्रेले के अंदर भर देते हैं। अरे हाँ यार चलो फटाफट से सारा काम खत्म करते हैं। ए नोबिता, मैंने ये सारा काम तुम्हें खत्म करने को बोला है ना कि सबको। अरे क्या जिया, यहाँ पर सारा काम मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे तो हाथ दर्द होने लग गए। हे नोबिता फिर तुम हमसे पैसे मत लेना। अरे क्या जिया, पैसे तो तुम भी लोगे तो तुम भी हमारी मदद करो ना। हे नोबिता तुम आज कुछ ज्यादा बोल रहे हो, लगता है मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। अरे चलो जिया, मैं नोबिता की हेल्प कर देता हूँ, बेचारा कब तक अकेला कर
मरता जाएगा। भोजन जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अरे थैंक यू भोजन, तुम मेरी हेल्प करने के लिए आ गए, वरना ये भोटे का बच्चा मेरी हेल्प कभी भी नहीं करता। अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मेहनत करेंगे और जितना भी पैसा आएगा आपस में बांटेंगे। अरे चलो ठीक है। यही कहीं यहाँ पर जितना भी सामान था वो सब हमने ट्रक में भर दिया है और अब हम जा रहे हैं इन सबको बेचने के लिए। नोबिता ट्रक को ध्यान चलाओ, तुमने यहाँ पर एक पीस तो गिरा ही दिया। अरे सॉरी जी, यहाँ पर मुझे पता नहीं लगा मैंने एक पीस कब गिरा दिया। एक मिनट में इसे चक के वापस से अंदर डाल देता हूँ। हे नोबिता तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम साइड में बैठ जाओ, ट्रक को मैं ही चलाऊंगा। अरे बिल्कुल भी नहीं जी, अभी इस ट्रक को मेरे को चलाने दो, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो नोबिता अपने ट्रक को थोड़ा संभाल के चलाओ, हमारे लिए एक एक पीस काफी जरूरी है क्योंकि इसमें एक एक पीस का हमें 5 रुपए मिलेगा। हे नोबिता तुम फिर से हमारे ट्रक को टेढ़ा मेढ़ा चला रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करो। अरे हाँ तुम्हारे ऐसा करने से हमारी छलियाँ गिर रही है। अरे एक बार फिर से सॉरी, यहाँ पर अब मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करूँगा, हम सारे पीस को आराम से ले जाएंगे। अरे ये देखो गाइस, हम पिज्जा की शॉप में पहुँच चुके हैं। अरे हाँ पिज्जा की शॉप में हमें यहाँ पर जितनी भी छलियाँ है वो सब की सब देनी होगी। तो चलो दोस्तों यहाँ पर एक एक छली को अंदर ले जाते हैं, जितनी ज्यादा छली रखेंगे उतने ज्यादा हमें पैसे मिलेंगे। अरे हाँ चलो भाई इस काम को फटाफट खत्म करते हैं, वैसे भी अब हमारे पास 3 मिनट है। अरे हाँ यार हमारे पास खाली 3 मिनट है, सामान ज्यादा है और हमारे पास टाइम कम। तुम नमूने लोग को कुछ भी नहीं पता। अरे तुम यहाँ पर एक बारी में 2-2 पीस ले जाओ ना, तब हमारे पास टाइम की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। अरे जी यार हम भी ये कर सकते थे लेकिन हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। यही नोबिता ने बिल्कुल सही कहा, नोबिता एक नंबर का बुद्धू है और साथ साथ कितना कमजोर, देखो यहाँ पर एक एक पीस को एक एक बार ले जा रहा है। लगता है ये सब काम मुझे अपने पल्ले करना होगा तब ये काम खत्म होगा। जी जियान तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर सारा काम तुम्हें करना होगा क्योंकि तुम इस सबसे शक्तिशाली हो। सुनियो तुम तो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो जो हमेशा मेरी तारीफ करते हैं। अरे यार सुनियो फ्रेंड नहीं है, सुनियो एक नंबर का चापलूसी बंदा है, वो बस तुम्हारी चापलूसी करता है। बिल्कुल भी नहीं, मैं जियान की चापलूसी नहीं करता, जियान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और तुम एक नंबर के बुद्धू हो। अरे दोस्तों तुम आपस में लड़ना बंद करो, हमारे पास खाली 2 मिनट रह गए। अरे हाँ यार हमारे पास खाली 2 मिनट रह गए, अब हमारे पास खाली 1 पीस रह गया है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है और ये देखो हमने कितनी जल्दी काम को खत्म कर दिया। अरे वाह मजा आ गया, अब जितने भी पैसे होंगे वो सब के सब हमारे होंगे। उन पैसों से हम काफी मस्ती करने वाले हैं। अरे ये देखो गाइस अब हमें सारे पैसे मिल चुके हैं, ये पूरे 90 रुपए हैं। अरे वाह चलो ये पैसे की पोथली चखते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हम इन पैसों से मस्ती करेंगे, जो भी मन में आएगा वो करेंगे। चलो दोस्तों यहाँ पर पैसे लेके मस्ती करने चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट करके ये बताना कि हमें जियान को पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। मुझे पता है तुम सब यहाँ पर हाँ ही बोलोगे। दोस्तों अगर ऐसी मजेदार वीडियो आप रोज देखना चाहते हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और जो घंटी दिख रही है ना उसको भी दबा दो ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आपको रोज देखने को मिले।